देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर पोहरई पंचायत में एक युवक ने एक युवती पर चाकू से हमला बोल दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं उसके पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के साहपुर पुरैनी गांव के विक्रमा गौड़ के घर के सामने राम भरोसे गुप्त का खेत है। मेड़ काटने को लेकर विक्रमा और राम भरोसे के बीच सुबह विवाद हो गया। विक्रमा ने पूर्व प्रधान रामायण यादव को मौके पर बुलाया और दोनों पक्षों में पंचायत होने लगी। इसी बीच दूसरे पक्ष ने विक्रमा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह देख बेटी काजल उम्र 18 वर्ष बचाने लगी तो आरोपी पक्ष ने चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे चाकू काजल के पेट में जा लगा, जिसके बाद वह लहूलुहान होकर मौके पर गिर गई, जबकि विक्रमा को भी 2 जगह आरोपियों ने चाकू मार दिया और फरार हो गए। पूर्व प्रधान काजल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। का विवाद था, दोनों पक्ष जुटे थे, जिसमें काजल भी थी और वो भी पक्ष के लोग थे, जिसमें काजल को चाकू लगा, वो एक्सपायर कर गई हैं और उनके पिताजी को भी चाकू लगा है, 2 जगह सीने पे और पेट में और कपार में फटा है। मारने वाले में राम भरोसा, उनकी पत्नी रीता और शिव अवतार गुप्ता, उनकी पत्नी छठुराजी देवी। चाकू तो नहीं देखे लेकिन यही लोग मारे होंगे। क्या वजह थी, क्लाइंट ने बताइए। मेड़ का विवाद था आपस में, दरवाजे पे, हर रास्ते दरवाजे पे उनके। रामायण जनपद के थाना तरकुलवा के ग्राम शाहपुर पुरैना में आज दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के एक लड़के ने दूसरे पक्ष की एक लड़की को चाकू मार दिया और उसको बचाने आए उसके पिता को भी इस चाकू के वार में चोट लगी है। बाद में उसे अस्पताल, जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सभी नामित अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।